वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल गाइस। अपकमिंग स्मार्टफोन ऑफ जुलाई, जून का महीना बहुत ही ठंडा था, बहुत ही कम फोन आए थे। जुलाई के महीने में बहुत ही अच्छे फोन और बहुत ही ज्यादा फोन आने वाले, तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। मैं आपको बताता हूँ कौन से फोन आने वाले। और अगर आप यह चैनल पर नए आए हो तो सब्सक्राइब कर दीजिए चैनल को ऐसे वीडियोस देखने के लिए, और बेल आइकन दबा दीजिए तो आपको एक भी वीडियो का नोटिफिकेशन मिस ना हो। और हम इसमें प्राइस सेगमेंट के ऊपर से बात करने वाले, सबसे कम प्राइस से लेकर सबसे हाई प्राइस तक जो फ़ोन लॉन्च होने वाले जुलाई में उसकी। तो हम पहले बात कर ले अंडर 20,000, तो दो फोन आने वाले अंडर 20,000 में। एक है मोटरोला का, मोटरोला भी हर महीने एक फोन लॉन्च कर रहे हैं, बहुत ही अच्छी बात है। उसका एक फोन जो जुलाई में आने वाला है वो है G42, और ये अच्छा फोन हो सकता है। इसमें आपको स्नैपड्रैगन 680 देखने को मिलने वाला है। इसकी जो डिस्प्ले होगी वो 6.56 इंचीज की FHD प्लस होने वाली है, और ये फर्स्ट वीक ऑफ जुलाई में प्रोबेबली लॉन्च हो सकते हैं। और जो दूसरा फोन है अंडर 20,000 में वो है वीवो का T1X। इसके बहुत सारे स्पेसिफिकेशंस कुछ लीक नहीं हुए, ये मिड जुलाई में आ सकते हैं, और इसमें मीडियाटेक का प्रोसेसर लगा हुआ हो सकता है। तो यही कुछ दो फोन्स थे जो अंडर 20,000 में आने वाले। अब हम बात करें अंडर 30,000 की, तो उसमें एक वन प्लस का नोड 2T आने वाला है, बहुत ही अच्छा फोन हो सकता है वन प्लस का अंडर 30,000 में। इसमें आपको डायमेंसिटी 3100 देखने को मिलेगा, और जो डिस्प्ले होगी वो 6.43 इंचेस की। इसमें आपको 90Hz एमोलेड डिस्प्ले देखने को मिल सकती है, और ये जून के एंड में आ सकते हैं, जुलाई के फर्स्ट वीक में आ सकते हैं। तो देखते हैं कब ये फोन आ सकते हैं। तो हम बात करें रियलमी की, तो उसका अंडर 30,000 में जो आने वाला है तो वो है GT Neo 3T। तो बहुत ही नाम बड़े बड़े होते जा रहे हैं, और ये बहुत ही अच्छे फ्लैगशिप लेवल का आपको फोन देखने को मिल सकते हैं। इसमें भी स्नैपड्रैगन 870 प्रोसेसर है, 6.6 इंचीज की FHD प्लस एमोलेड 120Hz डिस्प्ले है, और ये भी जून एंड या जुलाई के फर्स्ट वीक में प्रोबेबली लॉन्च होगा। और इसमें आपको 64 मेगापिक्सल के ट्रिपल कैमरा सेटअप देखने को मिल सकता है। और एक रेडमी का भी अंडर 30,000 आने वाला है, रेडमी K50i है, रिब्रांडेड होगा चाइना में, K50 के नाम से आएगा, और इधर भी रिब्रांडेड होके आने वाला है। तो ये जो इसमें स्पेसिफिकेशन है 144Hz की, इसमें आपको LCD डिस्प्ले देखने को मिलेगी, इसमें डायमेंसिटी 8100 5G प्रोसेसर लगा होगा, और 67W की इसमें फास्ट चार्जिंग भी सपोर्टेड होगा, और ये जुलाई के एंड में फ़ोन आने वाला है। तो ये तीन फोन्स अंडर 30,000 में आने वाले। अब हम अंडर 40,000 की बात करें, तो जो सोशल मीडिया पे अभी बहुत ही हाइप फोन हो चुका है, और उसकी तो रिलीज डेट भी आ चुकी है 12 जुलाई, तो वो है Nothing Phone 1। तो ये फ़ोन 12 जुलाई को लॉन्च होने वाले, बहुत ही सोशल मीडिया पे हाइप्ड अभी है। और MKBHD ने उसका फर्स्ट लुक जो डाला था उसमें पीछे की ग्लिम्स लाइट और ट्रांसपेरेंट बैक बहुत ही अच्छे लग रहे हैं। और ये प्रोसेसर पे आने वाला वो स्नैपड्रैगन 7 Gen 1। तो देखते हैं फ़ोन कैसा आता है 12 जुलाई को, और हो पाए तो मैं आपके लिए अनबॉक्सिंग भी लाऊंगा। और हम दूसरे अंडर 40,000 की फ़ोन की बात कर ले, तो ये श्योर नहीं हूँ मैं कि ये इंडिया में आएगा या नहीं, तो वो है गूगल पिक्सल 6a, और इसमें आपको 6.1 इंचीज की एमोलेड डिस्प्ले देखने को मिलने वाली है 60Hz वाली, और इसमें आपको जो प्रोसेसर वो होगा गूगल का कस्टमाइज, जो उसका प्रोसेसर है टेंसर चिप उसके ऊपर ही बेस होगी। और इसमें आपको ड्यूअल कैमरा सेटअप मिलने वाला है 12 मेगापिक्सल का, और ये एंड जुलाई में आने वाला है। तो देखते ये फ़ोन कैसा आता है और आने वाला है वो श्योर नहीं है इतना में। अब हम बात करें आगे, तो सीरीज़ है ओप्पो रेनो 8 सीरीज़, उसमें दो फोन आ सकते हैं, ओप्पो रेनो 8 और ओप्पो रेनो 8 प्रो। जो ओप्पो रेनो 8 होगा उसमें आपको डायमेंसिटी 8100 देखने को मिलेगा, और 6.7 इंचीज की एमोलेड डिस्प्ले होगी, 67W का फास्ट चार्जिंग होगा, और इसे मिड जुलाई में आ सकते हैं फ़ोन। तो देखते हैं सीरीज कैसी आती है। ओप्पो की रेनो सीरीज कैमरा के लिए बहुत ही अच्छी होती है, तो देखते इसमें कैमरा कैसे आते हैं। अभी हम बात करें अबव 50,000 की, तो इसका लिस्ट बहुत ही बड़ा है, बहुत सारे अंडर अबव 50,000 फोन आने वाले। जो पहला फोन है वो आइको का 90, और ये बहुत ही अच्छे स्पेसिफिकेशन के साथ ही जो अबव के 50,000 वाले आते हैं। इसमें आपको स्नैपड्रैगन 8 Gen 1 प्रोसेसर देखने को मिलने वाले, 120Hz की रिफ्रेश रेट वाली डिस्प्ले होगी,
और 120 हर्ट्ज वो 120 वॉट्स का इसमें आपको फास्ट चार्जिंग भी सपोर्टेड रहेगा और ये मिड जुलाई में प्रोबेबली आ सकते हैं। और अब हम दूसरी फोन की बात करें तो वन प्लस का 10T 2T की जगह अबव 50,000 में आने वाले, इसमें भी सेम प्रोसेसर आपको आईक्यू की तरह देखने को मिलने वाले, स्नैपड्रैगन 8 Gen 1 प्रोसेसर, और इसमें हाँ चार्जिंग आपको 150 वॉट्स की मिलने वाली और इसमें भी आपको 120 हर्ट्ज एमोलेड डिस्प्ले, और ये एंड जुलाई या अगस्त के फर्स्ट वीक में आ सकते हैं फोन। अभी हम दूसरे तीसरे फोन की बात करें जो अबव 50,000 आने वाले, तो वो है मोटरोलो का एज 30 अल्ट्रा, और इसकी जो मेन हाईलाइट होने वाली है वो है 200 मेगापिक्सल का इसमें आपको कैमरा देखने को मेन मिलने वाला है। तो देखते हैं ये फोन के साथ है 200 मेगापिक्सल के साथ, और बाकी आपको प्रोसेसर 8 Gen 1 मिलने वाला और ये भी एंड जुलाई में आ सकते हैं फोन। और अब बात करें Xiaomi की, तो उसका Xiaomi 12 अल्ट्रा आने वाला है, ये सीरियसली अल्ट्रा होने वाला है, इसमें अल्ट्रा फीचर्स आपको देखने को मिलेंगे। इसमें 6.67 इंच की 2K प्लस एमोलेड डिस्प्ले है, और इसमें जो कैमरा सेटअप होने वाला है वो Li का कैमरा सेटअप होने वाला है, उसके साथ कोलाब्रेशन होने वाला है ये Xiaomi का फोन का। 120 वॉट्स की फास्ट चार्जिंग, 4500 mAh की बैटरी, और ये स्ट्रॉन्ग चांसेस है कि जुलाई के फर्स्ट वीक में ही लॉन्च हो जाए, और ये पहला फोन होगा कि जो स्नैपड्रैगन 8 Gen 1 प्रोसेसर के ऊपर इंडिया में आए। वो जो गेमिंग फोन ऑफ द ईयर होता है ROG, तो ROG 6 और 6 Pro आने वाले दोनों, जिसकी भी डेट कंफर्म है 5 जुलाई को, लेकिन ये ग्लोबली लॉन्च होने वाले 5 जुलाई को, इंडिया में तब भी आएगा तो या थोड़े दिन के बाद, वो कंफर्म अभी कुछ भी नहीं है, लेकिन बहुत ही अच्छे स्पेसिफिकेशंस होने वाले। 8 Gen 1 प्रोसेसर, 165 वॉट्स की एमोलेड डिस्प्ले, और फास्ट चार्जिंग तो मिलने वाला है इसमें, लेकिन इस बार ये 50,000 का अबाव नहीं आने वाला, थोड़ी प्राइस इसकी ज़्यादा होगी, 60-70,000 के अराउंड होने वाली है। तो देखते हैं कितने का यह फ़ोन आता है, और बहुत सारे कंपनीज के फ़ोन आने वाले, इन्फिनिक्स, लावा, तो उसके कंफर्म नहीं इसलिए मैं आपको नहीं बता रहा हूँ। अगर आपको यह वीडियो अच्छा लगा हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, और वीडियो को भी लाइक कर दीजिए, और बेल आइकन दबा दीजिए तो आपको एक भी नोटिफिकेशन मिस ना हो, और आप कमेंट में बताइए कि आप किस फ़ोन की राह देख रहे हो।